आपके साथ मैं हूं आस खान और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। इन दिनों भाजपाइयों ने अपना आपा खो दिया है। भाजपाई मारपीट पर उतर आए हैं। इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय की तर्ज पर भाजपाई अपना आपा खोने लगे हैं। इंदौर का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में भाजपा नगर परिषद के अध्यक्ष सीएमओ पर प्राणघातक हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया है। वहीं दूसरी घटना मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नगर पालिका की बताई जा रही है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैटिंग करने के इरादे से नगर पालिका पहुंच गए और अधिकारियों व कर्मचारियों को बल्ला चमकाते हुए वापस निकल आए। तो हम आपको बता दें कि एक के बाद एक हो रही घटनाओं से ऐसा प्रतीत तो होता है कि भाजपा ही अपना आपा खो चुके हैं। दरअसल मामला सतना जिले के रामनगर परिषद का है, जहां भाजपा नगर परिषद के अध्यक्ष राम सुशील पटेल ने हंगामा करते हुए सीएमओ देवरत्न सोनी पर हमला करते हुए उन्हें लहूलुहान कर दिया है। परिषद अध्यक्ष ने सीएमओ के साथ किस कदर मारपीट की है, इसका नजारा आप तस्वीरों पर देख सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद घायल सीएमओ लहूलुहान हालत में स्वयं थाने पहुंच गए और घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीएमओ की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और सीएमओ को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हम आपको बता दें कि यह घटना सतना जिले के रामनगर स्थित परिषद की है, जहां भाजपा के परिषद अध्यक्ष राम सुशील पटेल ने सीएमओ पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। इधर दूसरी खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आ रही है, जहां इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय की तर्ज पर दमोह जिले में भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष गुरुवार को नगर पालिका के लेखा अधिकारी के साथ बल्लेबाजी करने पहुंच गए, जहां वह अधिकारियों के केबिन में पहुंचकर बल्ला चमकाते हुए वापस निकल आए। यह सारा दृश्य वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया है। बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम दमोह जिले का है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय की तर्ज पर क्रिकेट बैट लेकर गुरुवार को दमोह नगर पालिका पहुंचे और लेखा अधिकारी अनिल गुप्ता के केबिन में खड़े हुए। बताया जा रहा है कि विवेक अग्रवाल पीएम आवास की किस्त हितग्राहियों के खाते में नहीं जमा होने से नाराज थे। घटना गुरुवार की शाम की बताई जा रही है। सीएमओ कपिल खरे ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, शिकायत होने पर अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के दायित्व के साथ साथ मैं पार्षद प्रतिनिधि भी हूं और गरीब जन आम जन अपने जनहितैषी कार्यों को लेके अक्सर उनका आना होता है। उसी तारतम्य में प्रतिदिन नगर पालिका जाता हूँ और जनहितैषी कार्य कराता हूँ, लेकिन जब से कमलनाथ सरकार प्रदेश में आई है तब से भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा मिल गया है कि कोई भी कार्य बिना धन बिना बल के नहीं हो पा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि इंदौर नगर निगम में आकाश विजयवर्गीय को भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बल्ला उठाना पड़ा, उसी तारतम्य में सांकेतिक तौर पर मैं भी बैठ लेके नगर पालिका दमों गया था लोगों के काम कराने के लिए। वहाँ मैंने लोगों को जनता के लिए और अधिकारियों के लिए मैसेज दिया कि अगर ईमानदारी से काम होंगे और जल्दी काम होंगे तो बल्ला चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर लोग भ्रष्टाचार करेंगे और लोगों को घुमाएंगे तो हम भी बल्ला लेके लोगों को दौड़ाएंगे और जनता के काम कराएंगे।